ओम हाइनेस बार है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये गुटका थूकने वालों के लिए भी मतलब यार क्या ही कहूँ, चलती बाइक पे थूक देते हैं, पता नहीं है कि पास में घर साला कौन चल रहा है। ये देखो ऑटो वाले ने भी थूक दिया, भाई कौन ही समझाए रे यार इन गंवार लोगों को। किसी के कपड़े खराब होंगे, किसी के जूते खराब होंगे, कोई मतलब नहीं है। फोटो में बहुत छोटी दिखती है बट जब आप रियलिटी में देखेंगे तो काफी ब्यूटीफुल लगती है ये बाइक। थोड़ा इसको खींच के देखते हैं और आपको ओरिजिनल साउंड इसका फील करवाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। यहीं से होता है हर दिन व्लॉग शुरू, इस खटाला रास्ते से। अरे भाई साहब, आज तो बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, मोटे मोटे, वो देख रहे हो? अरे भाई, भूस भर के ट्रैक्टर ले आया बंदा। हमारी बाइक्स कहाँ दबानी पड़ेंगी यार, लगता है नीचे उतारनी पड़ेगी। और भाई गिर नहीं जाऊँ मैं लेफ्ट साइड पे, वरना कीचड़ में जाके पड़ूंगा। आज आपको एक नए रास्ते से लेके चलता हूँ, एक ही एक रोड देखकर बोर हो गए होंगे आप भी। चलो भाई साहब, ये घर धोने वालों से भी परेशानी है जनता। सुबह उठते ही 5 बजे घर धोना होता है भाई साहब, पूरी गली गीली कर देते हैं, सब तरफ पानी पानी। अरे घर तो ऐसे धोते हैं जैसे बाहर ही आके बैठ जाएंगे चबूतरे पे, कमाल करते हैं लोग। अरे 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 अरे, अरे कुत्ते जी, इधर मत आना। अरे आज मैं सर्दी का तो अपडेट देना भूल गया आपको। सर्दी का अपडेट ये है भाई, सर्दी कल के बराबर ही है। जैकेट्स पहनने वाली, बिना जैकेट्स के नहीं घूम सकते अब आप। कई महान लोग हैं जो जैकेट ही नहीं पहनते, जिनको सर्दी नहीं लगती, टी शर्ट में ही घूमते फिरते हैं। कई लड़के लड़कियां देखें, लड़कियां ज़्यादा फैशन में रहती हैं भाई साहब। कितनी भी तेज ठंड हो भाई साहब, उनको पहनना ही नहीं है, अंदर से रूह कांप रही हो बस, लेकिन बाहर शो ऑफ जरूरी है। और सेम लड़कों के साथ है, फैशन दिखाने के लिए भाई सिंगल टी शर्ट में घूम रहे होते हैं बॉडी दिखाने के लिए। तो सर्दी में बॉडी क्यों दिखानी है भाई, गर्मी नहीं दिखाई थे ना। तो भाई कल जो वी स्टॉर्म, सुजुकी वी स्टॉर्म बाइक की राइड ली, वो आपको कैसी लगी? बाइक का ऑनेस्ट रिव्यू देने की मैंने पूरी कोशिश की, जो भी एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आज हम एक और बढ़िया सी शानदार बाइक की टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे भाई लंच में। मैं लंच का टाइम ऐसे यूटिलाइज कर देता हूँ। आज हम होंडा शोरूम पे जाएंगे, जहाँ हम हाइनेस बार है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये गुटखा थूकने वालों के लिए भी मतलब यार क्या ही कहूँ, चलती बाइक पे थूक देते हैं, पता नहीं है कि पास में घर साला कौन चल रहा है, कौन नहीं चल रहा, किसके ऊपर जाएगा यार। जब खाते ही क्यों, जब थूकना होता है इस चीज़ को, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता। मेरे को बहुत नफरत है उन लोगों से जो ये गुटखा थूकते हैं, चलते कार से, चलती बाइक से, चलते ऑटो से। हैं कोई चीज़ क्यों खाता है आदमी के अंदर निकले उसका सवाल ले, तो जब खा ली है तो फिर पूरी के अंदर अंदर खाओ ना भाई, थूकते क्यों? बहुत बदतमीज लोग हैं यार दुनिया में यार ये लोग। कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि इन्होंने गुटखा खा रखा। तमीज होती है खाने की, शौक रखते हो तमीज भी रखो, बदतमीजों की तरह यहाँ वहाँ थूकते गंदगी करते हैं। अब देखो बात डिस्टर्ब कर दिया ना। हाँ, हम बात कर रहे थे होंडा हाइनेस की, आज टेस्ट ड्राइव लेंगे चल के, क्या परफॉर्मेंस है उस बाइक का, क्या पावर पिकअप वगैरह, एवरीथिंग, राइडिंग पोस्चर, सब कुछ चेक करेंगे। ओहो, गाड़ी के अंदर मूली का बंडर रखा है भाई साहब, बड़ी मंडी से सब्जी खरीद के आ रहा है लौंडा, सब्जियां ही सब्जियां रखी इसने। ये देखो ऑटो वाले ने भी थूक दिया, भाई कौन ही समझाए रे यार इन गंवार लोगों को। किसी के कपड़े खराब होंगे, किसी के जूते खराब होंगे, कोई मतलब नहीं है इन गंवार लोगों को। तो भाई मिलते हैं आपसे लंच टाइम पे। अगर गाड़ी गियर में होगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, सर स्टैटिशन लगा रहेगा। अच्छा, अभी 14 एम्पियर पर ठीक है, फर्स्ट गियर डाउन, बाकी बैटरी चलाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। सर यहाँ से अपन क्रॉस लेके ब्रिज क्रॉस करके फिर आएंगे, ठीक है? ओके, ब्रिज तक राइट ले लीजिएगा। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे मैं माइक कनेक्ट करना ही भूल गया, तो ऑडियो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मतलब ऑडियो जो भी रिकॉर्ड हुआ, जितना भी रिकॉर्ड हुआ, वो सब कैमरा के इंटरनल माइक्रोफोन से हुआ, तो विंड नॉइस है। मुझे इस चीज़ का पता बाद में चला जब मैं पूरी राइड करके कंप्लीट करके आ चुका था।
तो छोटी मोटी कन्वर्सेशन थी, भाई जो पीछे बैठे हुए थे वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे पूरी डिटेल में। बिल्कुल मुझे हाँ, मेरे को ये चाहिए, मतलब मेरे को लंबी टूरिंग के लिए चाहिए, तो सीट कंफर्टेबल होना पहली प्रायोरिटी है। सीट कंफर्ट रहेगी और साथ में जो आपकी गेयरिंग देंगे, मतलब जो भी आपके साथ में जाते हैं जी, वो भी कंफर्ट फील करेंगे। वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं गाड़ी के अंदर। ओके, क्या हाफ व्हील ग्रेडिंग वाली है, ऊपर से सिंगल सीट से नीचे डबल। ओके, तो राइडिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा इस बाइक का, कंपैरिजन अगर हम करना चाहें तो रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक टूरर बाइक है। इंजन की जो पावर डिलीवरी थी, जो पिकअप वगैरह था, वो बढ़िया था, एकदम शानदार। नीचे वाला इंडिकेटर दे दिया, बाकी सारे जो चार बटन से ये जो बाकी कीज दी गए हैं ये सब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम है सर, मतलब एक बार आपको होल्ड करके डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, ये टॉप मॉडल है, इस टॉप मॉडल है सर। इस बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या है? इसकी सर ऑन रोड प्राइस अपना 253,800। ओके, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है ना। कितना हॉर्स पावर जनरेट करती है बाइक का? अपना 30 NM टॉर्क है। ओके, 21 BHP, यानी मेटियोर के बराबर है। फोटो में बहुत छोटी दिखती है, बट जब आप रियलिटी में देखेंगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है ये बाइक। थोड़ा इसको खींच के देखते हैं और आपको ओरिजिनल साउंड इसका फील करवाते हैं। तो आपने नोटिस किया, जैसे मैंने गियर शिफ्ट किया तो एकदम से क्लच छोड़ने पर पावर पिकअप आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। राइडिंग पोस्चर बहुत बढ़िया है इसका, आप लॉन्ग राइड वगैरह कर सकते हो आराम से। वाइब्रेशंस बहुत कम है भाई इसमें, मीटर वगैरह इसका थोड़ा सा रेट्रो क्लासिक लुक देता है आपको। अच्छी है इसकी रोड अपीयरेंस, एक स्टैंडर्ड था वो, सही कह रहे हैं आप, पर्टिकुलर हर किसी के पास है वो, इसीलिए अब पब्लिक को चाहिए कि हम अलग नजर आए ना, भीड़ में शामिल क्यों। लगी सर राइड शानदार लगी। एक और एनिवर्सरी मॉडिशन आता जी, एक और मॉडल आता है सर टॉप एनिवर्सरी के नाम से। ओके, जिसमें आपको जो लोगो है वो गोल्डन कलर में मिलेंगे, यहाँ पे एनिवर्सरी का स्टिकर मिलेगा। अच्छा, NH लिखा हुआ गोल्डन कलर में मिलेगा। फ्लेट सीट है, इस पर डबल सीट आएगी आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ ना। ये अपन अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।